के अंदर क्या है कि मैडम का जो है दुर्व्यवहार हुआ राजस्थान माध्यम से। International brands and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer, and opposite Suchna Kendra, Jaipur Road, Ajmer. Sir, हम collector साहब के पास आए, हमारी मांग ये थी कि नसीराबाद जो सरकारी आई टी खुली इसी बार खुली थी और उसमें ये मेरी वाइफ है हसीना चीता नाम है इसका और इसका आई टी में फार्म भरा महिला आरक्षण सूची के अंदर इसका नाम भी आ गया। हमारा जब आई टी का काउंसलिंग का टाइम है उस टाइम हम पहुंच गए 10 बजे वहाँ पे। उसके बाद में जब हमारा नंबर आया हम अंदर गए तो मैडम ने हमारे से पूछा कि आपका क्या नाम है। नाम हम बता दिया इसने। उसके बाद में मार्कशीट मांगी तो बोले कि ये मार्कशीट फर्जी है, इस मार्कशीट के आधार पर एडमिशन नहीं होगा। जबकि मार्कशीट ओरिजिनल है, राजस्थान बोर्ड की है, पूरक परीक्षा से इसने पास करी है। और इतना कहने के बाद में मैंने कहा मैडम अगर फर्जी है तो आप लिख के दे दो। मैडम ने इतने में हमारे मुंह पे फेंक दिया कागज, बोले तुम्हारे से हो जो कर लो, मैं तो तुम्हारा बहुत कुछ कर सकती हूँ, राजकार्य बाधा में केस लगवा सकती हूँ, अभी तुम्हारी जमानत नहीं होगी, पुलिस को बुला लूँगी, ऐसी धमकी देने लगी। और हम ये चाहते हैं कि हमारी यही मांग है काउंसलिंग दोबारा की जाए और हमारे को राहत प्रदान करें। स्टाफ जो वहाँ पर मैडम थी, दिव्या नाम बताया अपना आपका, और 2-3 स्टाफ और भी थे, उन्होंने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। हम चाहते हैं कि हमारी मांग मानिए। जी फर्जी क्यों बताया उन्होंने, कोई कारण बताया फर्जी की? फर्जी का ये कारण बताया कि पूरक परीक्षा से इसने एग्ज़ाम पास करा तो वो एग्ज़ाम पूरक परीक्षा के बाद में एग्ज़ाम मार्क्स काउंट नहीं हो रखे थे उस मार्कशीट में, तो बोले काउंट नहीं है इसलिए ये इनवैलिड है। इसके बाद में एक मार्कशीट और आती है, जबकि हमने पूरा पता कर लिया है अच्छे जानकारों से, उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई मार्कशीट नहीं आती। अभी कलेक्टर साहब को दिखाई, कलेक्टर साहब ने कहा मार्कशीट बिल्कुल सही है, हम इस मामले को दिखवाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन चीता, आपकी वाइफ? हसीना चीता नाम है। हम राजौसी पंचायत से, समस्या है राजौसी से, नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र है और समिति ग्राम पंचायत राजौसी, वहीं से पंचायत सदस्य है। इनकी वजह से फर्जी बता दी? हाँ फर्जी बता दी। अब एडमिशन दे रही आपको? एडमिशन ले नहीं चक्कर में, तो जबकि बीआई का नाम आ गया था महिला आरक्षण को जिम्मे का एक समस्या सीट को लेकर के आज अपन कलेक्टर साहब से मिले हैं। तो सर आवाज सरकारी आई थी, ये फर्स्ट बार हवाई खुली है।